मेरी प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें धनतेरस की बधाई देने और ढेर सारा आशीर्वाद देने आया हूँ। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत शुभता लेकर आया है। तुम मन में जो भी इच्छा करोगे, वो सारी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ साबित होगा, क्योंकि तुम्हारी कई दिनों की इच्छा भी इसी समय पूरी होने वाली है। अपने विश्वास के साथ तुम जिस तरह आगे बढ़ रहे हो, तुम अपने रिश्तों में भी वो प्रेम पाओगे जो तुम चाहते हो। ईश्वर तुम्हें वो सब दे रहे हैं। तुमने जिस कार्य के लिए बहुत प्रयास किए हैं, मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सफलता के दिन नज़दीक हैं और अब वो समय तुम देख पाओगे जिसकी प्रतीक्षा तुम कई दिनों से कर रहे थे, और अब तुम्हें वो प्राप्त होने वाला है जो तुम ईश्वर से मांग रहे थे। जिस तरह तुम ईश्वर की भक्ति करते हो, ईश्वर में लीन रहते हो, उसी तरह ईश्वर भी अपने प्रेम द्वारा तुम्हें वो आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हैं। तुम्हारे लिए श्रद्धा और सबरी का आशीर्वाद भी साईं देते हैं, और तुम इन चरणों में हमेशा ही लीन रहना चाहते हो ना, तो जब भी तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो तो साईं के चरणों में रख दिया करो। तुम्हारे साईं तुम्हें उसका जवाब अवश्य देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे बाबा जब भी तुम्हारे पास आते हैं, वो तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ देने आते हैं। आज भी मैं तुम्हें वो खुशखबरी देने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य इस महीने पूरा हो जाएगा। मेरी बात पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। और जब भी तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे सभी कार्य पूरे होने लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए वो शुभ समय प्रारंभ हो चुका है, और अब तुम्हें अपने कार्यों में मन लगाकर आगे बढ़ते रहना है। बाबा चाहते हैं कि तुम कोई भी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम्हें आगे जाकर पछताना पड़े। ये समय तुम्हारे लिए शुभ है, तो इस समय का ध्यान रखते हुए अपने उन कार्यों को करना शुरू करो। यह शुभ समय में तुम्हारे कई कार्य बनेंगे, मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे कार्य अधूरे छूटे थे, वो कार्य भी अब पूरे होने लगेंगे। उन पर काम करना शुरू करो, और इन दिनों तुम कई नई वस्तुएं भी खरीदोगे, क्योंकि ये सफलता तुम्हें ईश्वर द्वारा दी जा रही है, जिसके लिए तुमने ईश्वर से, अपने साईं से प्रार्थना की है। तो साईं भी तुम्हारे लिए किसी भी चीज की कमी नहीं रखना चाहते। इस शुभ समय में जो भी तुम चाहोगे, वो तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए अच्छा सोचो, मन में अच्छे विचार लाओ और श्रद्धा सबूरी रखो। साईं का आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर हमेशा बना रहेगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।